चलिए दोस्तों, फिर से एक और इंटरेस्टिंग सी वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हो चुके हैं, क्योंकि ये जो वीडियो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। बिकॉज हमने रेनो 8 का भी यहाँ पर हिडन फीचर्स और ट्रिक्स बताए थे आपको, तो उस पर काफ़ी ज़्यादा ढेर सारे कमेंट्स हमें इस वीडियो को लेकर आए। बिकॉज ये फ़ोन भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में बना हुआ है। हमने यहाँ पर रखा है वन प्लस का नॉर्ड 2T, जो कि अराउंड 29,000 की कीमत में यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है। लेकिन इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या ढेर सारे ट्रिक्स और ट्रिक्स हैं और क्या क्या हिडन फीचर्स हैं, वो आपके सामने मैं बताने वाला हूँ, जो कि डे टू डे लाइफ में आपको काफ़ी ज़्यादा यूजफुल काम में आने वाले हैं। वो जानने के लिए बिल्कुल वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके, और 100K का टारगेट हमें जल्दी से जल्दी पूरा करना है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना। तो सबसे पहले जिस फीचर की बात की जा रही है, जैसे कि फ़ोन को इतना खूबसूरत बाहर से बनाया, तो अंदर से भी आप फोन को खूबसूरत बनाने के लिए सबसे पहले जाएँ सेटिंग्स के अंदर। सेटिंग में जाना है, उसके बाद आपको जाना है पर्सनलाइजेशन में। जैसे आप इसको ओपन करते हैं तो आपको ढेर सारी दिखने हुई, आपको जाना है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वाले फीचर में। जैसे आप इस ऑप्शन पे जाते हैं तो आपको ढेर सारी यहां पर चीजें नजर आ रही होगी, तो मैं आपको बता देता हूं। यहां पर फीचर्स आपको तीन चीज दी है, यहां पर कैनवास का ऑप्शन है, बिटमोजी का ऑप्शन है, और यहां पर इनसाइट का ऑप्शन है। ये आप कस्टमाइजेशन की आपको चीजें मिलती है, लाइक फोटोज वगैरह को आप यहां पर चेंज करके उसे वॉलपेपर में अपने फोन में सेट कर सकते हैं। नीचे जैसे आते तो एनालॉग क्लॉक भी आपको देखने को मिल जाती है, डिफरेंट डिफरेंट डिजिटल क्लॉक्स यहां पर दिए अलग अलग फॉर्मेट के हिसाब से, वो भी आप यहां पर सेट कर सकते हैं। और थर्ड वन, यहां पर डिजिटल क्लॉक्स भी है, और वो भी आपको अलग अलग कस्टमाइजेशन का ऑप्शन भी इसमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है। ये चीज आपको यहाँ पर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, मतलब कोई फ्रंट डिस्प्ले को खूबसूरत बनाने के लिए ये चीज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाए। दूसरे नंबर पर अगर देखें आप, तो उसमें इसके लिए भी आपको जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने पर फिर से चले जाते हैं हम पर्सनलाइजेशन पे। नीचे आते हैं यहाँ पे, आपको हॉरिजॉन लाइट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इससे यहाँ पे आपकी जो एजेस दिख रही है, यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन जैसी आपके पॉप होती है, आपको ये लाइट यहाँ पर साइड में यहाँ पर नजर आने वाली है। देख सकते हैं 3 कलर वेरिएशन आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, जिससे कि आपका फोन अगर आपके हाथ में है और जैसी नोटिफिकेशन पॉप होती है तो आपको यहाँ पर ये लाइटें जो है हॉरिजॉन लाइट यहाँ पर शो होती है, जिससे काफी अट्रैक्टिव से आपके डिस्प्ले यहाँ पर इसकी वजह से दिखने वाली। नंबर 3 की अगर बात की जाए, तो यहाँ पर आपको मिलता है एडवांस फीचर आइकॉन पुल डाउन का, जिसके लिए आपको नॉर्मल आप सेटिंग से भी जा सकते हैं। लेकिन आपको एक और शॉर्टकट बताता हूँ, आपको होम स्क्रीन पर यहाँ पर होल्ड करके रखना है। आप यहाँ जाते हैं मोर वाले ऑप्शन पे, इसको जैसे आप टैप करते हैं तो आपको दिखता है आइकॉन पुल डाउन जेस्चर, इसको सिलेक्ट करके आप इसे यहाँ पर ऑफ था ऑफ रहता है यूजुअली, इसको आप ऑन कर दीजिए। जिसे आप इसको मिनिमाइज करते हैं तो जितने भी आपके आइकॉन्स दिख रहे हैं यहाँ पर एप्लीकेशन के, वो यहाँ पर आप इजीली यहाँ पर ड्रैग कर सकते हैं, और जिस पे भी आपको जाना है यहाँ पर इजीली उसे आप टैप करके यहाँ पर उसे ओपन कर पाएंगे। तो ये चीजें थी जिससे आपको ज्यादा फिंगर को नहीं घुमाना हैंड पे, सिर्फ इजी तरीके से हम यहाँ पर आइकॉन्स को लाएं और यहाँ पर इजी जिसको आपको ओपन करना है वो यहाँ पर आप ओपन कर सकते हैं। नंबर 4 वाले फीचर्स की अगर बात की जाए, तो यहाँ एक चीज हमारे सामने देखने को मिलती है कि आपको नोटिफिकेशन स्टेटस बार को अगर डाउन लाना है तो आपको यहाँ से उसे टैप करना पड़ता है नीचे लाने के लिए। लेकिन आप सेंटर में टैप करते हैं तो आपको गूगल सर्च का ऑप्शन देखने को मिलता है, लेकिन आप चाहते हैं इतना ऊपर फिंगर को ना ले जाते हुए नॉर्मल यहाँ से अगर नोटिफिकेशन बार आ जाए तो इसकी सेटिंग भी आप चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर इसको स्क्रीन पर होल्ड करके रखना है, फिर हम चले जाते हैं मोर के ऑप्शन में। मोर के ऑप्शन में जाने के बाद आपको यहाँ पर स्वाइप डाउन का ऑप्शन मिलता है होम स्क्रीन पर, तो यहाँ पर आपको गूगल सर्च का ऑप्शन दिख रहा होगा, इसे आप यहाँ पर नोटिफिकेशन ड्रॉअर को सिलेक्ट कर लीजिए, मिनिमाइज करते हैं, देन चेक करते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं स्लाइड। अगर सेंटर से भी आप करेंगे तो आपको जितने भी नोटिफिकेशन की चीज़ें हैं वो यहाँ पर ईजिली इससे देखने को मिल जाएगी, और यहाँ से भी आप लाएंगे तो भी आएगा, और आप सेंटर से भी इसको पुल डाउन करेंगे तो भी आपको ये चीज़ देखने को मिल जाएगी। नंबर 5 का अगर हम देखेंगे, तो यहाँ पर आपको मिलता है ऑप्शन आपके आइकॉन्स को कस्टमाइज करने का, जितने भी आपके आइकॉन्स हैं इनको आप कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पर नॉर्मल होल्ड पर रखना है सेटिंग को, और आप जाते हैं यहाँ पर आइकॉन्स का, आपका अलग से ही बटन दिख रहा है वॉलपेपर के जस्ट पास में। आइकॉन पर आप टैप करते हैं, आपको डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज़ यहाँ पर अलग अलग मिल जाएगी। आप अपने आइकॉन्स को यहाँ पर बड़ा साइज में भी बड़ा घटा सकते हैं, अपने हिसाब से आपको जैसा फ़ॉन्ट रखना है वो रख सकते हैं आइकॉन्स का। उसी के साथ साथ आप यहाँ पर उनकी शेप भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर आपको स्टाइल्स भी मिल जाती हैं अलग अलग, देख सकते हैं आप आपके हिसाब से। और उससे कस्टमाइजेशन का ऑप्शन मिल जाता है कि आप इसको अपने हिसाब से शेप देकर यहाँ पर कस्टमाइज कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट आइकॉन को आप अपने फ़ोन के चेंज करके इसे और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव यहाँ पर बना पाएंगे। 6 की अगर बात की जाए, तो इसकी हेल्प से यहाँ पर अपने नेट की स्पीड को थोड़ा एडवांस लेवल पर ले जा सकते हैं, थोड़ी स्पीड और बढ़ा सकते हैं। लाइक एक साथ वाईफाई के साथ साथ आप यहाँ पर उसके डाटा को स्पीड को थोड़ा इनहेंस कर सकते हैं। इसके लिए नॉर्मल आपको यहाँ पर वाईफाई सेटिंग्स में जाना है। जैसे आप वाईफाई पर लॉन्ग प्रेस करते हैं तो आप वाईफाई के ऑप्शन पर मिलते हैं, आप इसे ऑन करिए और आपको वाईफाई असिस्टेंट का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ आपको दिख रहा है ड्यूअल चैनल एक्सेलरेशन, जैसे आप इसको ऑन करते हैं, जैसे आप इसको ऑन करेंगे तो आप यहाँ पर आपको अलग अलग एप्लीकेशन दिख जाएंगी, जिससे कि आप अपनी नेट की स्पीड को यहाँ पर जिन जिन एप्लीकेशन पर आपको रखना है इसमें इंस्टॉल नहीं है। अब जैसे जैसे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं लाइक फेसबुक इंस्टाग्राम वगैरह, उसकी भी डाटा स्पीड यहाँ पर आप इजीली इसके हेल्प से यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। नंबर 7 की अगर बात की जाए, तो जैसा कि आपको मैंने दिखाया था डिस्प्ले को खूबसूरत बनाने का तरीका, अगर आपका फ़ोन यहाँ पर शट डाउन है अगर या फिर यहाँ पर आप फोन लॉक है तो आप अपनी डिस्प्ले को उसके बावजूद भी थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखा सकते हैं। इसके लिए आपको नॉर्मल फिर से हमें सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग में जैसे जाते हैं तो आपको पर्सनलाइजेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर नीचे जाते हैं फिंगरप्रिंट एनिमेशन के ऊपर, यहाँ पर आपको एक्सेंट
स्टेशन वगैरह चेंज करने का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। मल्टीपल्स ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, जिससे कि आपके फिंगरप्रिंट स्कैनर अगर आप फोन बंद भी है लॉक भी है, जैसे आप इसको टैप करके अनलॉक करते हैं, आपको यहाँ पर इतने सारे डिफरेंट जो है एनिमेशन यहाँ पर देखने को मिल जाए। 8 की अगर बात करें तो ये ऑप्शन आपके लिए यहाँ पर जो गेमिंग वगैरह प्ले करते हैं, जो एडवांस लेवल पर वीडियोज वगैरह स्ट्रीमिंग करते हैं, या फिर आप कोई सा भी कंटेंट को लाइव शो देख रहे हैं, मजे ले रहे हैं किसी भी चीज के, अगर उसमें आप चाहते हैं कि आपको ज्यादा भार के नोटिफिकेशन, आपके डाटा के नोटिफिकेशन जो है परेशान ना करें, उसके साउंड को आपको कम करना है, इसके लिए आपको रिड्यूस नोटिफिकेशन साउंड का ऑप्शन में जाना है। इसके लिए आपको सेटिंग्स में चले जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद आप जाते हैं यहाँ पर साउंड वाले ऑप्शन पे। साउंड वाले ऑप्शन को आपको देखना है यहाँ। सेटिंग्स में जाने के बाद आप चले जाते हैं यहाँ पर साउंड एंड वाइब्रेशन पे। जैसे इसके अंदर हम जाते हैं तो आपको यहाँ पर नीचे की तरफ मिलता है रिड्यूस नोटिफिकेशन फीडबैक पे। जैसे आप इसको जाते हैं तो रिड्यूस नोटिफिकेशन फीडबैक ऑन फुल स्क्रीन पे, आप जैसे इसको टैप करते हैं तो यहाँ पर एक लाइन शो करता है कि आप वीडियोज वगैरह वॉचिंग कर रहे हैं, प्ले गेम वगैरह प्ले कर रहे हैं, उस टाइम पे आपके नोटिफिकेशन साउंड जितने भी आएंगे उनको ये ऑटोमेटिकली बिल्कुल साउंड को कम कर देगा, जिससे कि आप जिन चीज को एंजॉयमेंट कर रहे हैं उसमें आपको प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को ना। नंबर 9, अगर इसकी अगर बात की जाए तो ये आपके लिए काफी यूजफुल चीज है, बिकॉज हम देखते हैं कई बार आपके स्टेटस बार पे ढेर सारे नोटिफिकेशन होते हैं, गलती से आपने इनको क्लोज कर दिया लेकिन आप चाहते हैं कि आप वो नोटिफिकेशन फिर से देखें और वो यहाँ से हटने के बाद कई बार शो नहीं होती है, तो इसके लिए आपको नॉर्मल सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग में जैसे आप चले जाते हैं तो आपको यहाँ पर चले जाते हैं हम नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार पे, आप इसे सेलेक्ट करिए, मोर सेटिंग्स के ऑप्शन पे जाएं, फिर आप यहाँ पर आपको दिख जाएगा नोटिफिकेशन हिस्ट्री, इसको आप यहाँ पर जाके ऑन कर दीजिए। अब जितने भी नोटिफिकेशन आपके आने वाले हैं अगर उनको आप यहाँ से क्लोज भी कर देते हैं तो वो चीज़ आपको वहाँ के पे जाकर जितना भी आप देखेंगे वो आपको वहाँ पर शो हो जाएगी, मतलब जितने भी नोटिफिकेशन मैसेज वगैरह कुछ हैं, अगर आपको नोटिफिकेशन हट जाती है शो नहीं होता, वहाँ पर आप जाकर इजिली चेकआउट कर। नंबर 10, अगर इसकी बात की जाए तो कुछ आपके डॉक्यूमेंटेशन वीडियोज फोटोज वगैरह आपको एक्सटर्नल एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करना है और आपको अपने फोन में उन्हें हाइड करके सबसे छुपा के रखना है, इसके लिए आपको एक ऑप्शन मिलता है लाइक सिक्योरिटी ऑप्शन वाली चीज़ यही है। इसके लिए आपको नॉर्मल जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग में चले जाने के बाद हम चले जाते हैं प्राइवेसी में। ऐप लॉक दिखता है, हाइड एप्लीकेशन का ऑप्शन भी, और यहाँ नीचे दिखता है प्राइवेट सेफ, इसको आप ऑन जैसे करेंगे आप अपने हिसाब से पासवर्ड वगैरह सेट यहाँ पर करें। इसके बाद आप अपने फोटोज वीडियोज जो भी आपको यहाँ पर हाइड करना है डॉक्यूमेंटेशन वगैरह, आप इजीली इसको हाइड कर सकते हैं और वो चीज़ें किसी को भी शो नहीं होगी और ये यहाँ पर किसी भी तरह का आपको जो है मिसकरेज नहीं होता, मतलब अगर स्पेस किसी ने छेड़छाड़ भी करी है तो एकदम डायरेक्ट चीज़ें डिलीट भी नहीं होती हैं, आप इसको इजीली यहाँ पर रिकवर भी कर सकते। नंबर 11 की अगर बात की जाए तो इसके लिए फिर से हम चल जाते हैं सेटिंग्स की तरफ। सेटिंग में जाने के बाद आपको चले जाना है यहाँ पर सिस्टम सेटिंग्स में। सिस्टम सेटिंग्स में आपको ढेर सारी चीज़ें मिलती हैं, हम चले जाते हैं यहाँ पर जेस्चर एंड मोशंस में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमें यहाँ पर नई नई भी देखने को मिलती है। कई बार आपको यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन मिल रहे हैं लाइक राइज टू वेक, लिफ्ट टू एयर आइकॉन्स, ये बहुत सारे फ़ोन में हमें देखने को मिलते हैं। आप जैसे इनको ऑन कर देते हैं तो आपको यहाँ पर ऑटोमेटिकली फ़ोन को और भी ईजी बनाने के लिए चीज़ें मिल रही हैं। आप यहाँ पर इन सभी को ऑन करते हैं, आप यहाँ पर जितने भी देखेंगे फ्लैट टू म्यूट इनकमिंग कॉल, जैसे आप फ्लिप फोन अगर आपका आ रहा है रिंग कर रहा है, अगर आप फोन को जैसे स्वाइप करते हैं आपका फोन यहाँ पर ईजिली साइलेंट हो जाएगा। इसके लिए आपको ना पावर की दबाने की जरूरत है, ना ही वॉल्यूम बटन दबाने की जरूरत है। ये चीज़ें आपको ढेर सारी फीचर्स जो हैं जेस्चर एंड मोशन में यहाँ पर देखने को मिल जाए। नंबर 12 की अगर बात की जाए तो ये सबसे ज़्यादा काम आने वाली चीज़ है, बिकॉज आजकल जितने भी सोशल नेटवर्क साइट पर कपल्स हैं अगर उनको अपने फोटोज वगैरह या किसी भी चीज़ का स्क्रीन शॉट लेकर रखते हैं चैट्स वगैरह के, वो आप यहाँ पर काफ़ी अलग अलग तरीके से इस फोन में कर सकते हैं। आपको नॉर्मल सेटिंग में जाना है, आप यहाँ पर मैं आपको चीज़ें दिखा देता हूँ किस किस तरीके से आप स्क्रीन शॉट वगैरह यहाँ पर एडिट या फिर ले सकते हैं। नॉर्मल आप जाते हैं सेटिंग्स में, सिस्टम सेटिंग्स में चले जाएं आप, आपको मिलता है स्क्रीन शॉट का ऑप्शन। तीन चीज़ें दिखा रहा है, चार चीज़ दिखा रहा था, थ्री फिंगर स्वाइप डाउन, ये आपको सभी को पता है। यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर ऐड है थ्री फिंगर टच एंड होल्ड का ऑप्शन, लाइक आप यहाँ पर थ्री फिंगर से स्क्रीन होल्ड करें, जैसा कि आप जितना भी आप डिस्प्ले वगैरह का आप स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं उतना फ़ोन की डिस्प्ले को सिलेक्ट करके आप यहाँ पर इसे क्रॉप वगैरह भी कर सकते हैं, इसे साथ ही साथ यहाँ पर स्क्रीन शॉट लेके एडिट भी कर सकते हैं। ये आपको ढेर सारी चीज़ें मिलती है, लाइक आप यहीं से एडिट करके सेव करके अपने हिसाब से इसको यूज़ कर पाएंगे। नंबर 13 की अगर बात की जाए तो यहाँ आपको मिलता है बैटरी ऑप्टिमाइजेशन का ऑप्शन, जो कि यहाँ पर थोड़ा सा अलग लेवल पर जाता है। इसके लिए आपको बैटरी वाले ऑप्शन में जाना है, यहाँ पर आपको सारी चीज़ होती है। आप चले जाते हैं एडवांस सेटिंग्स की तरफ तो आपको हाई परफॉर्मेंस मोड दे रखा है, ऑप्टिमाइजेशन बैटरी यूज़ दे रखी है, लाइक और दो चीज़ हमने यहाँ पर ऑन कर रखी है। आप अपने फ़ोन को नाइट में ईजिली फ़ोन को चार्ज पर लगाकर छोड़ दीजिए, 80% के बाद ऑटोमेटिकली ये इसकी चार्जिंग स्पीड को डाउन कर देता है। जैसे फ़ोन को नाइट में भी चार्ज करते तो फ़ोन की बैटरी वगैरह जो खराब होने की चीज़ें वो इसमें आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है। और हाई परफॉर्मेंस जो मोड है आपका, इसकी हेल्प से आपको सिस्टम के अंदर जो है आपको पावर कंजप्शन जितना भी होता है उसको थोड़ा सा मिनिमम करके इस चीज़ को यहाँ पर एप्लीकेशन वगैरह में ज़्यादा आपकी लॉन्ग बैटरी चले वो आपको यहाँ पर चीज़ देखने को नॉर्ड 2T में यहाँ पर मिल। नंबर 14 की अगर बात करें तो यहाँ जैसा कि आपको देखने को मिलता है फोन का डिस्प्ले वगैरह 90Hz के साथ आता है और फुल HD प्लस यहाँ पर AMOLED डिस्प्ले भी दिया है, तो आपके वीडियोज़ वगैरह के कलर तो ऑब्वियसली काफ़ी शानदार से हैं, लेकिन इसको और थोड़ा सा एडवांस बनाने के लिए आप यहाँ पर चले जाएँ यहाँ पर वीडियो एनहेंसिंग पे, जो कि नोटिफिकेशन बार में दिया है। इसके बाद आप चले जाते हैं वीडियो कलर बूस्ट के ऑप्शन पे, आप जैसे इसको ऑन करते हो तो आप डिफरेंट देख सकते हैं, यहीं पर इतने
बता रहा है। आप यहाँ पर एक तरफ देखेंगे तो थोड़ा सा डल वीडियो दिख रहा होगा, एक तरफ थोड़ा सा हार्श और लाइटिंग वाला वीडियो दिख रहा होगा। इसकी हेल्प से आप अपने वीडियोज वगैरह क्वालिटी को और भी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पर अपनी आंखों से यहाँ पर देख सकते हैं। ये कुछ चीज़ें थी आपके सामने जो मैंने शो करी है जो डे टू डे लाइफ में, और आप मोस्ट प्रोबेबली यही चीज़ हमें यहाँ पर ज़रूरत की होती है, वो आप मैंने आपको यहाँ पर इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। और भी कुछ एडवांस फीचर्स है वो आपको यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पर मिलने वाले हैं, बहुत जल्द हम इसका सेकंड पार्ट भी लाएंगे। बिकॉज कई बार हमें कमेंट्स मिलते हैं, कुछ कुछ चीज़ें रह जाती हैं, वो हमारे भाइयों को दिक्कत आती है, तो हम इस बार इस वीडियो का नेक्स्ट वीडियो आने वाला है उसमें इन चीज़ों को कवर करने की कोशिश करेंगे। और ये चीज़ें थी नॉर्ड 2 टी की। इसी तरह से मैंने डिफरेंट डिफरेंट फोन्स के यहाँ पर हिडन फीचर्स बना के रखे हैं, लाइक रेनो 8 आप नॉर्ड देख लें या दूसरे फोन जितने भी लेटेस्ट फोन हैं इनके अपने हिडन फीचर्स अपने चैनल पर अवेलेबल हैं, आप जाकर उनको चेकआउट कर सकते हैं। और ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और 100K का टारगेट हमें पूरा करना है जल्दी से जल्दी, वो आप ही की बदौलत होने वाला है, इसलिए सब्सक्राइब बटन जल्दी से जल्दी दबाकर जुड़ जाइए टेक हाउस की फैमिली के।